सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के सिलेबस को पूरा डिस्कस किया था। अब तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम चैप्टर वाइज पूरे गणित के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर में किया था, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर को भी हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से दोस्तों हम लोग सभी चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके बस दोस्तों फ्री माइंड से अगर सभी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे लास्ट में। और दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, हर एक चीजें मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। चाहे आपने वह टॉपिक पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको हर एक चीजें बहुत ही क्लियर स्पष्ट होने वाली हैं और आप सभी प्रश्नों को बहुत ही बेहतर ढंग से कम समय में हल कर पाएंगे। सभी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, सभी ट्रिक्स बताते हुए मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग पूरी सहभागिता आपको दिखानी है, जहां भी आपको जो भी दिक्कत लगे आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अनुपात और समानुपात सबसे पहले आपको अपने थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों अनुपात की परिभाषा देखने से पहले आप एक सरल भाषा में समझिए कि अनुपात होता क्या है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे बराबर का चिन्ह, कहीं भी हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो उसके दोनों तरफ जो राशियां लिखी होती हैं, जो संख्याएं लिखी होती हैं, यह बराबर का चिन्ह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि यह दोनों आपस में समान है, इनका जो वैल्यू है, इनका जो मान है वह बराबर है। बराबर का जो चिन्ह है दोस्तों यह समानता दिखाता है, यह एक संबंध प्रकट करता है कि दो राशियां जो दी गई हैं उनका मान आपस में बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों अनुपात भी संबंध दिखाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे आपको मान लेते हैं दिया है कि राम और श्याम हैं, राम है और श्याम है, इनके पास जो कलम की संख्या है वह 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। राम और श्याम के पास कलम है और इनके पास जितनी कलम है उनकी संख्या का जो अनुपात है वह 3:5 है। तो इसका मतलब दोस्तों आप क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है कि राम के पास अगर 3 कलम है तो श्याम के पास कितनी, 5 कलम है, ठीक। पहले राम फिर श्याम, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि राम के पास अगर 3 कलम है तो श्याम के पास 5 कलम है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर राम के पास 6 कलम होगी तो श्याम के पास 10 कलम होगी, और राम के पास अगर 9 कलम होगी श्याम के पास 15 कलम होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एक संबंध यहाँ पे है कि मतलब कि अगर यहाँ पे राम के पास 3 है तो इसके पास 5 है, इसके पास 6 है तो इसके पास 10 है। मतलब कि अगर ये दोगुना हो रहा है, जो राम के पास है अगर ये दोगुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो रहा है, ठीक है, और ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप संबंध देख पा रहे होंगे, अनुपात दोस्तों यही संबंध दिखाता है। जैसे बराबरी से हम जानते हैं कि दोनों राशियां आपस में बराबर हैं, वैसे ही अनुपात हमें बताता है कि राशियों में क्या संबंध है, किस अनुपात में है राशियां। अब देखिए हम लोग परिभाषा पे आते हैं, किस प्रकार हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं, दो राशियों का किस प्रकार हम लोग अनुपात लिखते हैं, ठीक है। अब आगे चीजें आपको और समझ में आने वाली हैं, आगे बस आप बने रहिए, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। देखिए, यदि ए तथा बी दो सजातीय अर्थात समान प्रकार की राशियां हों और बी का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए तो भागफल ए भागा बी को ए और बी का अनुपात रेशियो कहते हैं। अब दोस्तों अगर ए और बी दो राशियां हमको दी गई हों, दो राशियां, दो संख्याएं, दो चीजें कुछ भी हमको दी गई हैं, तो उनके बीच अनुपात ज्ञात कैसे होता है? उनके बीच दोस्तों अनुपात ज्ञात
करने के लिए पहले तो एक शर्त है कि वह सजातीय होनी चाहिए। जो अनुपात होता है दोस्तों वह समान राशियों में निकलता है। जैसे अब मान लेते हैं कि एक राशि है 5 रुपए और एक राशि है 10 घंटे, तो इन दोनों में दोस्तों अनुपात नहीं होगा क्योंकि ये रुपए में है ये घंटे में है। जब तक ये समान वर्ग की राशियां नहीं होंगी, समान इनके मात्रक नहीं होंगे, तब तक इनमें हम अनुपात नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 रुपए का अनुपात 10 घंटे से नहीं हो सकता है। 5 रुपए का अनुपात किसी रुपए वाली राशि से, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, इस प्रकार की राशि से ही अनुपात हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो शर्त है अनुपात, अगर आपको ज्ञात करना है दो राशियों का, दो राशियां समान होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ए अनुपात बी लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये जो पहला होता है इसे हम लोग पूर्व पद बोलते हैं, और ये जो बाद में होता है ये उत्तर पद, और ये बीच वाला अनुपात का चिन्ह है ये तो आपको पता ही है। पहली शर्त तो दोस्तों आपको पता चल गई, सजातीय राशियां होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है कि जो बी का मान है, जो बी का मान है वह शून्य नहीं होना चाहिए। जो दूसरा पद है उत्तर पद है वह शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों किन्हीं भी दो राशियों का अगर आप निकाल रहे हैं, जैसे अब मान लेते हैं आपको दिया गया है 5 रुपए और 15 रुपए, इसी का आपको अनुपात लेना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपात लेने के लिए 5 में भाग देते हैं 15 का। ठीक है, जो पहला पद है उससे दूसरे पद में भाग देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/3 भिन्न हमको प्राप्त होगा, और इसी को हम लोग लिखते हैं 1:3। ठीक है, तो यही इस प्रकार दोस्तों अनुपात ज्ञात होता है। ठीक है, तो जो दूसरा पद उत्तर पद होता है उससे भाग दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बी का मान 0 हो जाता है, यहाँ पे ए बटे बी में अगर बी का मान 0 हो जाता है, तो ए ऊपर कोई संख्या है रहेगी और बटे में शून्य हो जाएगा, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इसका मान गणित में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, इसका मान ज्ञात नहीं है, तो इसीलिए बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको इन्फिनिटी भी हम लोग लिखते हैं, अनंत भी लिखते हैं। ठीक है, संख्या के नीचे 0 को इन्फिनिटी या अनंत भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीजें दोस्तों यहाँ पे आप पॉइंट्स में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए नोट्स तैयार किया है, यह नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए, अनुपात समान प्रकार तथा समान मात्रक की दो राशियों में होता है। ठीक है, तो यह आपने जान लिया दोस्तों, पहले शर्त यही है, अनुपात अगर आपको लेना है किन्हीं भी दो राशियों में तो वह समान प्रकार की समान मात्रक वाली होनी चाहिए। ठीक, और दो राशियों के बीच अनुपात प्रथम राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर प्राप्त होता है, यह आपने जान लिया। ठीक है, अगर प्रथम राशि ए है और द्वितीय राशि बी है, तो ए में बी से भाग देने पे हमें जो प्राप्त होता है सरलतम रूप, वही होता है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए अनुपाते बी, इसी को हम लिखते हैं, दोनों एक ही है बात है दोस्तों, चाहे आप ए बाय बी लिखिए चाहे ए अनुपाते बी लिखिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर है अनुपात को लघुत्तम रूप या सरलतम रूप जिसे हम लोग बोलते हैं में व्यक्त करते हैं। जैसे अभी दोस्तों आपने देखा था कि 5 रुपए और 15 रुपए का हमने अनुपात लिया था, तो हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख दिया था कि अनुपात निकालने के लिए हम लोग 5 में 15 का भाग देते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम लिख दें 5:15। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले दोस्तों ऊपर नीचे इसको सरल रूप में बनाया था, लघुत्तम रूप में बनाया था। 5 से ऊपर नीचे कट रहा था, तो इसको हमने काट दिया था, ऊपर 1 और नीचे 3 आ गया था, तब ये जो भिन्न है वह बन गया था 1/3, और इसको हमने लिखा था 1:3। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि जो भी राशियां दी रही होंगी, जिनका भी अनुपात हमको निकालना होता है, जो अनुपात आता है वह लघुत्तम रूप होता है, सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, यह लघुत्तम और सरलतम रूप होता है, यह संख्या नहीं होती है। अब कहीं पे आपको अगर 1:3 लिखा है, तो
तो एक और तीन जो है यह संख्याएं नहीं है, यह सरलतम रूप है। ठीक, अब इसके बाद देखिए चौथा है अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब जैसे दोस्तों अनुपात क्या होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे हमें यहाँ पे अनुपात लेना हो 7 किलो और 12 किलो का, तो आपको पता है कि हम लोग 12 किलो से 7 किलो में भाग देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों किलो किलो कट जाएगा और 7 अनुपाते 12 हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो मात्रक होता है वह खत्म हो जाता है, इसीलिए दोस्तों अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब पांचवा है दो राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने अथवा भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि 4 और 6 का अनुपात हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 में 6 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से काट दीजिए तो 2 और 3, ये आ जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है पांचवें पॉइंट में, दो राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने अथवा भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 6 में हम लोग मान लेते हैं 3 से गुणा कर देते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 18। दोनों संख्याओं में समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग संख्या से नहीं, तब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अनुपात के। ठीक है, देखिए कैसे, अब 12/18, अब फिर अनुपात लेंगे तो 18 से 12 में भाग देंगे तो अब 6 से काट देते हैं ऊपर नीचे, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/3, अनुपात कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों अनुपात वही रहा, जबकि हम लोगों ने एक संख्या से दोनों राशियों में गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं है अगर हम किसी एक समान राशि से गुणा करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार भाग में भी होता है, भाग में भी आप देख लीजिए यहाँ पे संख्याएं थी 4 और 6, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याएं हैं 4 और 6 और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 5 से भाग कर देते हैं 4 और 6 में, तो ये हो जाएगा 4/5 और 6/5, ये संख्याएं हो जाएंगी। अब अनुपात हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 में भाग जाएगा 6/5 का। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे आपने भिन्न में पढ़ा होगा कि उसको किस प्रकार हम सरल करते हैं, 4/5 और ये हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, गुणा आ जाता है और संख्याएं पलट जाती हैं। यहाँ पे हर 5 है तो 5 अंश में आ जाएगा और यहाँ पे अंश में 6 था तो यहाँ हर में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हर में 5 है, यहाँ अंश में कट जाएगा और ये हो जाएगा 4/6 और इसे काटेंगे तो 2/3 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अनुपात कितना मिल जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 से गुणा किया था दोनों संख्याओं में तब भी अनुपात 2/3 रहा था, और 5 से भाग किया था दोनों संख्याओं में तो भी अनुपात वही रहा है। ठीक है, तो किसी समान संख्या से अगर दोनों संख्याओं में हम भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से दोस्तों यह पांचवा पॉइंट भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए दोस्तों आपने क्या क्या यहाँ पे देखा अनुपात में। अनुपात दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, किन्हीं भी दो राशियों का अनुपात निकालने के लिए पहले तो वो दोनों सजातीय होनी चाहिए, ठीक है, समान जाति से होनी चाहिए, उनका मात्रक समान होना चाहिए, और जो दूसरी राशि है उसका मान नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर का चिन्ह होता है, काट देते हैं तो नॉट बराबर नहीं है इसका मतलब होता है। ठीक है, तो बी का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि दूसरी जो राशि है वह 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ए अनुपात बी अगर इस प्रकार हम दिखा रहे हैं तो ए को हम लोग पूर्व पद कहते हैं, बी को उत्तर पद कहते हैं, और ये जो होता है यह अनुपात चिन्ह होता है, यह आपने देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप इतना बेसिक समझ गए, अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रित अनुपात और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए मिश्रित अनुपात क्या होता है, जैसे कई सारे अनुपात आपको दिए रहते हैं और उसमें आपको
पूछता है कि इन सबका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो मिश्रित अनुपात देखिए क्या होता है, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और एक्स अनुपात वाई दिए गए अनुपात हैं, तो इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा। जैसे ए अनुपात बी को हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं, इस अनुपात का भिन्न रूप ये है ए बटे बी, और सी का इसी प्रकार सी बटे डी, और एक्स का एक्स बाई वाई। ठीक, तो अब इन तीनों का अगर हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा। अंश में देखिए, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में, ये आ जाएगा ए सी एक्स और नीचे बी डी वाई। तो यही दोस्तों भिन्नों का जो आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वही होगा मिश्रित अनुपात। तो दोस्तों आपको कई सारे अनुपात अगर आपको दिए गए हैं, आपको मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है, तो सभी अनुपातों को आप भिन्न रूप में लिख लीजिए, उनका गुणा कर दीजिए, जो आपको उत्तर मिले सरल करने पे वही मिश्रित अनुपात हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, निम्न में सरल अनुपात में बदलिए। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 221 अनुपात 289 लिखा गया है। ठीक है, इसको सरल, अब अनुपात सरल रूप में होता है तो इसको सरल में हमको लिखना होगा। ठीक है, तो अब भिन्न के रूप में पहले इसको लिख लेते हैं 221 बटे 289। अब दोस्तों यहाँ पे इतना भिन्न के रूप में आपने लिख लिया, अब यहाँ पे आप सोचेंगे दोस्तों कि ये किन संख्याओं से कटेगी, किस संख्या से हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे विषम संख्याएं हैं, तो किसी भी सम संख्या से, 2 से 4 से 6 से 8 से, ये संख्याएं कटेंगी नहीं। तो हम 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर आपको 17 का स्क्वायर पता होता कि 289 होता है, तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप सबसे पहले 17 से ही चेक करते। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपको जो भी संख्याओं का वर्ग है, ठीक है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार दोस्तों आपको कम से कम 30 तक याद रखना है। ठीक है, तो 30 तक ये याद रख लीजिए आप, और 20 तक का टेबल आप याद कर लीजिए पहाड़ा। ठीक है, जिससे आपकी जो भी कैलकुलेशंस है गणित में, देखिए आपको जगह जगह कैलकुलेशंस करना होता है और आगे कंपटीशन आपको देना है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है यह आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्यूब भी आप याद कर सकते हैं 20 तक का। ठीक है, तो क्यूब भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी होगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखिए 17 से चेक करते हैं, 17 का वर्ग है 289, तो ये तो कटेगा ही। ऊपर हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए 17 एकम 17 और यहाँ पे 5 बच जाएगा 22 का। ठीक, और 17 त्रिक 51 होता है। ठीक है, तो ये ऊपर भी कट रहा है नीचे भी, तो ऊपर देखिए 1 और 3 13 बार में और नीचे 17 बार में, तो अब ये भिन्न जो हमको मिल जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 13 बटे 17 और अनुपात जो मिल जाएगा हमें 13 अनुपात 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा वह हो जाएगा 13 अनुपात 17। अब इसी में दोस्तों बी है, देखिए 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर में हमको अनुपात बताना है। तो सबसे पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो मात्रक होना चाहिए वह समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले समान मात्रक में लिखेंगे। आप चाहे 60 सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए या 1 मीटर को सेंटीमीटर में बना लीजिए, समान मात्रक में आप ले आइए। यहाँ पे आप तो समान मात्रक में ला सकते हैं, तो समान मात्रक में इनको लिख लीजिए। अब देखिए 60 सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने देते हैं और 1 मीटर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब अनुपात लेंगे तो 60 में 100 का भाग होगा, 0 0 कट जाएगा और 6 बटे 10, अब 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 3 बटे 5, तो अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 5। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 5। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये भी देख पा रहे हैं कि
यहाँ पे कोई मात्रक नहीं है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं है, और ये जो 3:5 हमको मिला है यह कोई संख्या नहीं है, यह अनुपात है। संख्या क्या है? संख्या है 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए जो अनुपात आपको दिया रहेगा वो संख्याएं नहीं होंगी, वह संख्याओं का अनुपात होगा, ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दोस्तों प्रश्न में हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याएं नहीं दी गई हैं, यह संख्याएं नहीं है, यह संख्याओं का अनुपात है, सरलतम रूप है, लघुत्तम रूप है, यह आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक संख्या का मान दोस्तों हमको दिया गया है 12.5, ठीक, छोटी संख्या का मान हमको दिया गया है 12.5। अब 8 और 5 में छोटा कौन सा है दोस्तों? 5, मतलब कि ये जो छोटी संख्या है इसका मान हमको दिया गया है, ठीक, और बड़ी संख्या का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों संख्याएं माननी पड़ेंगी। देखिए, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? अब इसी अनुपात के रूप में आपको मान लेना है, 8 और 5 के गुणांक के रूप में, ठीक है। तो देखिए, बड़ी संख्या हम मानेंगे 8x और छोटी संख्या हम लोग मानेंगे 5x, ठीक है। 8 के और 5 के भी आप मान सकते हैं, लेकिन x हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो इसलिए मैं x का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो आप चाहे तो 8 के 5 के भी मान सकते हैं, ठीक। हमें बस इसी x का मान निकाल लेंगे हम तो हमें संख्या का मान मिल जाएगा। देखिए, छोटी संख्या हमको दी गई है 12.5, तो यहाँ पे हमें 5x की वैल्यू कितनी दी गई है? 12.5, और x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 12.5/5। अब 5 से 12.5 को काटते हैं तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक स्थान दशमलव खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 25, यहाँ 2 बचा था और ये 5 25 हो जाएगा। 25 को 5 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x का जो मान आ जाएगा वह 2.5 हमको मिल जाएगा। और अब बड़ी संख्या का मान हमको बताना है, बड़ी संख्या है 8x, यहाँ पे x का मान हम रख देते हैं, तो 8 × 2.5, 8 का गुणा करते हैं 2.5 में, तो 8 पच्चे कितना हो जाएगा? 8 पच्चे हो जाएगा 40 के 0, और 8 × 2 = 16, और 4 = 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव। तो ये 8x का जो मान आ जाएगा दोस्तों यह 20 आ जाएगा, मतलब कि बड़ी संख्या का जो मान हो जाएगा वह 20 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनमें से एक संख्या आपको दी गई है तो आप दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है, यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उन दोनों संख्याओं का अंतर हमको पता है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, पहले तो हम मान लेते हैं संख्याएं। माना संख्या किस प्रकार मानेंगे? इसी अनुपात के रूप में, 11:6 है तो 11x और पहली संख्या ये हम मान लेंगे, और दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे, दूसरी संख्या यहाँ आप कर लीजिएगा पहली, ठीक है। तो माना पहली संख्या 11x और दूसरी संख्या है 6x। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11x, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो अंतर हमको दिया गया है 7.5 का, ठीक। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 11x में से 6x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5x, 5x की वैल्यू कितनी है? 7.5। x की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 7.5/5 लिख सकते हैं, 5 से भाग दे देते हैं 1, और यहाँ पे बचेगा 2.5, 1 दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों 1.5 आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे संख्याओं का मान ज्ञात कर लेते हैं, 11 × 1.5, तो 11 का गुणा होगा दोस्तों 1.5 में, तो 11 पच्चे 55 के 5
हासिल लगा 5 और 11 एकम 11 और धन 5 16, ठीक, और एक स्थान पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 16.5 बड़ी वाली संख्या, और छोटी वाली संख्या 6 गुणे 1.5, तो 6 5 30 के 0 और 6 एकम 6 और 3 9 और एक स्थान पे दशमलव, तो बड़ी संख्या हो गई 16.5 और छोटी संख्या हो गई 9। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, एक संख्या पता है, तब भी आप मान निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर पता है तब भी आप दोनों संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न, देखिए निम्न में कौन सा अनुपात बड़ा है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो अनुपात दिए गए हैं, 5:8 और 11:14, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से अनुपात कौन सा अनुपात बड़ा है, मतलब कि दो अनुपातों का आपको तुलना करना है, ठीक है। 5:8 को क्या लिख सकते हैं, 5/8, और 11:14 को क्या लिख सकते हैं, 11/14, ठीक। तो अब इनकी तुलना, दो भिन्नों की तुलना दोस्तों हम जब करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, पहले हम लोग इसका हर समान कर लेते हैं। तो हर समान करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 और 14 का लासा लेंगे, लघुत्तम समाप वर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य 8 और 14 का निकाल लेते हैं। देखिए 8 और 14 का 2 से काटेंगे 4 और 7, फिर 2 से काटेंगे तो 2 और 7, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 7, फिर 7 से काट देंगे तो 1 और 1 बच जाएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लासा कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। अब इसका हर हमें 56 बनाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग 7 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो 5 गुणे 7 और 8 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7 5 35 और /56। और इसी प्रकार 11/14 को दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, फिर इसका भी हर हमको 56 लाना है, तो 14 चौका 56 होता है दोस्तों, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो 11 गुणे 4 और 14 गुणे 4, तो बटे में तो 56 होगा और अंश में हो जाएगा 44। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों भिन्नों को हर बराबर है, अब दो धनात्मक भिन्न हैं, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न जो है वह बड़ा होगा। अंश यहाँ 35 है, यहाँ 44 है, तो 11/14 का जो अंश है वह बड़ा है, तो 11/14 जो भिन्न होगा वह बड़ा होगा 5/8 से, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको चाहे दो अनुपात दिए गए हो या तीन अनुपात दिए गए हो, आप सभी का हर समान ले कर लीजिए, और उसके बाद आप अंशों का कंपैरिजन करिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसी में दोस्तों एक प्रकार से प्रश्न और आपको दे सकता है कि आरोही क्रम में बनाइए अवरोही क्रम में बनाइए, तो आप इसी प्रकार दोस्तों आप करिएगा, सभी को समान हर में बना लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा और जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा, और एक क्रम में आप लगा देंगे, बढ़ते हुए तो आरोही क्रम हो जाएगा और घटते हुए क्रम में लगा देंगे तो अवरोही क्रम, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको अनुपात क्या होता है, किन चीजों का, किन राशियों का हम अनुपात ले सकते हैं, और अनुपात की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी, और अनुपात पे किस प्रकार से प्रश्न हमको हल करने हैं यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है दोस्तों जिनका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो यह प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। और तीसरा है 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए इसका उत्तर। इन सभी चारों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट करके दोस्तों बताना है, तो आप लोग लिखिएगा 1 और उसके सामने जो उत्तर आपको इन चारों में से सही लग रहा है वह उत्तर लिख लीजिएगा, और दूसरे का आप सॉल्व करिएगा, जितना उत्तर आ रहा होगा 2 पॉइंट डाल करके आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। इसी प्रकार तीसरे का उत्तर और चौथे का भी उत्तर इसी प्रकार आपको देना है। चौथा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है
और उनका अंतर 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यह दोस्तों आपके लिए वर्क है, यह आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब दोस्तों इतना आप कर लेंगे तो अनुपात जो है वह आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका बचता है समानुपात। समानुपात दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन क्वेश्चंस का आप लोग मुझे कमेंट करके उत्तर बताइए, और आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है मुझे आप कमेंट करके बताइए। यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु भाई बहनों की इस क्लास की जरूरत है, तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सभी जो प्रशिक्षु भाई बहन है उन तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। और यह जो पीडीएफ है दोस्तों, इस ये जो नोट्स की पीडीएफ है, अगर आपको यह चाहिए दोस्तों तो आपको यह मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे आप जाइएगा, टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सभी वीडियोस सभी पीडीएफ टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, आपको अनुपात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समानुपात डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस का उत्तर आप कमेंट करके दे दीजिए जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक। और इसी प्रकार दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी विषयों का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आई बटन से आप सभी विषयों को पढ़ना मत भूलिए, ठीक। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।